मंदिर से पुजारी को मंदिर से परहेज होना नहीं चाहिए, घर की नारी को चूल्हा चौके में भी जाने से परहेज नहीं होना चाहिए। मंदिर का दरवाजा खुलने का एक टाइमिंग से एक समय होता है, भगवान को जगाने का सुलाने का आरती का एक समय होता है। उसी प्रकार से घर की नारी को भी चूल्हा चौका दियाबाती धूप बत्ती ये सब का एक समय ये होना चाहिए। आपके घर में कभी सुबह 7 बजे भोग लग जाता है, कभी दोपहर को 1:30 बजे लगता है, 6-6 दिन लगता ही नहीं है, कभी चूल्हा जलता है कभी चूल्हा जलता ही नहीं है। और पढ़े लिखे समाज में ज़्यादातर से ऐसा ही होता है, पहले एक आदमी कमाता था 20 खाते थे, आज पत्नी कमा रही है, पति कमा रहा है, बच्चे कमा रहे, तो भी घर की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं कम हो गई। आवश्यकताएं बढ़नी चाहिए, इच्छाएं कम होनी चाहिए। इच्छा वाला व्यक्ति तो कुबेर का भंडार मिल जाए तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनकी तनख्वाह 5,000 रुपया ही महीने में मिलती है, उनका गुजारा इतना धड़ल्ले से चलता है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में 5 लाख रुपया कमाते हैं, वो भी बड़े दुखी हैं। वो कहते हैं हमारे खर्चे ही नहीं चलते। खर्चे चलेंगे कहाँ से, 5,000 की तो एक छोटी सी बोतल आती है शराब की, उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे। महीने में 3 बार उनका ब्लेड चेंज होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपका पैसा वकीलों के यहाँ नहीं जाता, आपका पैसा पुलिस थाने नहीं जाता, और आपका पैसा अस्पतालों में नहीं जाता, तो धरती पर एक देवताओं की तरह जिंदगी आप जी रहे हैं, आप बढ़िया जीवन जी रहे हैं। वकीलों के यहाँ तो उत्पात ही जाएंगे, पुलिस थाने में उत्पात ही जाएंगे। बीमार तो वह होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ में धोखा किया, अपने जीवन के जिंदगी जीने के सिस्टम को गड़बड़ किया है। बीमारियां तो तभी आती है, ठीक से जीने वाले व्यक्ति को कभी कोई रोग नहीं लगता। तो श्रीमद देवी भागवत की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत है। बच्चे माता पिता का नाम बढ़ाएं, बच्चों की वजह से माता पिता का नाम जाना जाए, इसलिए कहा गया कि जय जय गिरवर राज किशोरी है, गिरिराज की बेटी तुम्हारी जय हो, माँ तुम्हारे आने से तुम्हारे पिता का नाम हुआ है, मेरे आने से भी मेरे पिता जनक का नाम हो जाए, माँ आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जय महेश मुख चंद चकोरी, आप महेश की चंद चकोरी है, मैं भी प्रभु राम की चकोरी बनू, रामचंद्र की चकोरी बनू, उनका लाड़ उनका दुलार उनका स्नेह मुझे मिले, माँ ऐसी कृपा कीजिए। पति और पत्नी का मन मुटाव झगड़े होते हैं, दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र है जिसका नाम है अर्गला स्तोत्र, उसका पाठ करने से आपस की वैमनस्यता खत्म हो जाती है, पति और पत्नी में प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है।